हमने लिया ये 4 लाख का चश्मा। यस, ये एप्पल का विजन प्रो है, जो लेटेस्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो बहुत लोगों के पास आ गया है वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में ज्यादा लोगों के पास आया नहीं है। तुम्हारा भाई उसमें से एक लकी है। इसके लिए आपको मैं क्या बताऊं, कितने पापड़ मैंने बेले हैं, कितने खून मैंने किए हैं, क्या बताऊं। एंड मैं टेक रिव्यूअर नहीं हूं, कि ये असली थगेश चैनल है। यहाँ पे हम लोग ज्यादा फालतूगिरी नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते। मेन चैनल नहीं है ये, तो लेट्स सी। कुछ फीचर्स बताता हूँ आपको। अभी जैसे लोग मेरे सामने मेरे को वैसे ही दिख रहे हैं, अभी थोड़ा हम लोग लो लाइट कंडीशन में है, थोड़ा शाम हो चुका है, बट मैं आपको बताता हूँ बाकी। ये देखो, ऐसे ये सारे एप्स आते हैं यहाँ पे। मेरे सामने लोग खड़े हो रहे, बोल रहे ये क्या बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं दिख रहे कोई एप्स। तो एप्स एक्चुअली इधर आ जाते हैं, देखो ऐसे। एंड ये पूरे ऐसे लॉक हो जाते हैं। ऐसे करूंगा तो ये मूव करते हैं। मैंने अभी ज्यादा ऐप्स डाउनलोड नहीं मारे, नया नया लिया है। एंड एक फनी चीज मैंने देखी। अब देखो, मैं जो मैंने पहले देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एनकाउंटर डायनासोर देखा, मैंने इसके वीडियोस देखे हैं। ये इंटरेक्ट कर सकते आप लोग डायनासोर से। मैंने ये देखा नहीं पहले, क्योंकि मेरे को ऑथेंटिक रिएक्शन चाहिए था। तो देखते हैं, एप्पल ओरिजिनल यहाँ पे आ रहा है सब। आई डोंट नो तुम लोग को ये दिखेगा कि नहीं, या फिर वो ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, बिकॉज मूवीज वगैरह जब जनरली रिकॉर्ड करते तो ब्लैक स्क्रीन। फील फ्री टू एक्सप्लोर बट स्टे अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। ओके, क्रीचर्स इन दिस एक्सपीरियंस कैन सी यू एंड मे रिएक्ट टू यू। भाई डरा रही है तो। एनकाउंटर डायनासोर्स। ओके, यू आर टू क्लोज टू एन ऑब्स्टेकल। डरते नहीं है, कंटिन्यू एनीवे। स्टार्ट। तितली आई है यहाँ पर एक, शायद ऐसा करूंगा तो बैठेगी आके। ओके, ये आ रही है बैठने। भाई ये प्रॉपर मेरी उंगली पे आके बैठी है। इसको मरती तो नहीं है, बाबा नाराज हो गई। ओ, स्क्रीन खुली है बड़ी वाली। मेरे सामने जितने कैमरा मैन सब गायब हो गए। तो अगर मैं किसी के कोई भी पार्ट को टच कर दूं ऐसा करके, तो नाराज नहीं होना। ओके, तो अभी यहाँ पे कोई डायनासोर आएगा शायद, मेरे को ऐसा आवाज आ रहा है। ओ, टीरेक्स है ये। कौन है? टीरेक्स लग रहा है, छोटा टीरेक्स है। मैं बताऊं, इसके स्पीकर्स ना एक्चुअली आप लोग को लगता है कि आपने हेडफोन्स डाले हुए हैं। एक्चुअली में ऐसा लगता है कि हेडफोन डाले हैं मैंने, इतना क्वालिटी क्लियर है। ओ, ऐसा लग रहा है ये इधर आ गया। अगर मैं हाथ ऐसा करूं तो दिखेगा वो। देखो भाई, इंटरेक्ट कर रही है एक्चुअली में। मैं अगर हाथ इधर करूंगा, इधर देख, इधर गधे, चल चल के दिखा। नहीं, गुड बॉय। ए, इधर किधर? बैड बॉय, बैड बॉय। भाई ये बहुत ज्यादा रियल लग रहा है, मेरे को पता भी नहीं मेरा कैमरामैन किधर है। ओ भाई, दूसरा टीरेक्स आ गया। तेरा तो गेम बजाने के चक्कर में हूँ। अब होगा भाई, इसकी पूछ आ गई थी इधर एकदम। देखा तुम लोग, भयंकर लड़ाई हो रही दोनों टीरेक्स की। वो क्या कर रहे है भाई? तू उधर 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 उधर, उसको 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 उसको। एक्चुअली ऐसा लग, मेरे को पता नहीं कैमरामैन किधर है, जो भी है जिधर भी है, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये पूरे डायनासोर अभी बाहर आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है? दोनों मिलके मेरे को। चल भाई, सी यू। अभी ये देखो, सारे ऐप्स है यहाँ पे। अभी मेरे को समझो कोई यूट्यूब खोलना है, तो मुझे खाली उसको देखना है, क्योंकि 1-2 घंटा इसके सेटिंग में लगा है। मुझे सिर्फ वो ऐप को देखना है। ये मेरी आंख ट्रैक करता है कि कौन सी आंख से मैं आंख से कहाँ देखा। अभी मेरी एक ही आंख चलती है, तो अभी सॉरी निकल गया। बट मैं जिसको देखूंगा ऐप को, फिर मुझे सिर्फ ये करना है। सफारी खुल गया। अब देखो, मैं ये देख रहा था कल, डेडपूल का ट्रेलर देख रहा था। मैं डेडपूल नहीं देखूंगा, मैं अपने वीडियो लगाऊंगा, कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहिए मेरे। मैं अपने हाथ से सिर्फ लेटर्स को देख रहा हूँ एंड मैं ये पिंच कर रहा हूँ। सर्च को देखा मैंने, मैंने पिंच किया, मैं चला गया वर्ल्ड के सबसे बेस्ट यूट्यूबर के चैनल पे और मैं लगाऊंगा द थगेश शो। ये देखो, वॉल्यूम भी अप डाउन करने के लिए। ओके, ये थगेश शो मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये थगेश शो मैंने कर दिया फुल स्क्रीन। ओके, द थगेश शो यहाँ पे आ रहा है। थोड़ी सी आजू बाजू की लाइट डिम हो गई, जैसे आप लोग देख रहे हो। एंड मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, मेरे को नीचे देख के ये करना है। मैं इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ, मुझे इसको बड़ा करना है। लाइक देखो, क्या जाइंट स्क्रीन हो गई, फिर इसको मुझे छोटा करना है, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये छोटा हो गया। ये एक विंडो चलो मैंने यहाँ पे खुली रख दी। चालू कर रहा हूँ फोटोज, फोटोज का ऐप मैंने खोल दिया। ये फोटोज का ऐप मैंने समझो यहाँ पे रख दिया, चलो बाजू में रख दिया। शो भी देख सकता हूँ, वर्ल्ड का बेस्ट टॉक शो देख सकता हूँ, फोटोज देख सकता हूँ। देखो ये मेरे फोटोज है, सॉरी मेरा शॉर्ट्स वाला फोटोज है, इग्नोर। फिर ये देखो, अगर मुझे फोटोज पैन करने हैं तो मुझे सिर्फ ये करना है, मैं सिर्फ ये करूंगा, फोटोज पैन हो रहे। भाई ये क्या चीज है। एंड ये इतना स्मूथ है, पहले जनरेशन प्रोडक्ट के हिसाब से मेरे को पता नहीं, कुछ अजीब ही ऐसा लग रहा है कि ये सब जो मेरे सामने खड़े वो ये क्यों नहीं देख पा रहे। मुझे इतना वियर्ड लग रहा है कि है तो है सब, देखो देखो अंधो, कोई नहीं देख पा रहे।
ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी, जो हम देख रहे हैं वो एक्चुअली हम उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो ये डायनासोर वाला जैसा मैंने देखा था, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कि इसको छोटा करना है। मैं अभी भी हैबिचुअल हो रहा हूँ क्योंकि ना इसमें बहुत स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ता है। हमें जनरली आदत होती है फोन में हम कुछ और देखते हैं, हम कहीं और टाइप करते हैं, बिकॉज हमको इतनी आदत हो गई रहती है। इसमें आपको जो चीज पे टैप करना है उसी को देखने का एग्जैक्टली। तो मैंने खोल दिया एप्पल टीवी, ये एप्पल टीवी खुल गया। देखो पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, जनरली ब्लैक हो जाता है स्क्रीन। ये एप्पल टीवी है, एप्पल टीवी में एक बहुत बढ़िया मूवी है जो कि मैं नहीं प्ले करूंगा, कॉपीराइट इश्यूज आ जाएगा। एप्पल वाले समझेंगे नहीं कि उनका ही प्रमोशन हो रहा है इनडायरेक्टली। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूँ। 3D मूवीज वॉच विद एप्पल विजन प्रो, वो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, भाई ये तो लेना पड़ेगा, मैंने देखी नहीं है मूवी। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे को ये टैब को हटाना है, ये टैब को मैंने इधर रख दिया। अब शायद मैं वो चीज आपको दिखाना पाऊं, बट एक बढ़िया चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, एप्पल टीवी पे वो नहीं दिखेगी, मैं यूट्यूब पे आपको दिखा रहा हूं। चलो ये थगेश का वीडियो लिया मैंने, यहाँ पे रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एक इमर्सिव एक्सपीरियंस, मतलब ये जितने लोग आपको सामने दिख रहे हैं सब गायब हो जाएंगे। देखना मुझे बस ये डायल को ऐसे घुमाना है यहाँ से, बाय बाय, ये लोग देखो बाय बाय कर रहे, बाय, थोड़े दिख रहे हो भूत जैसे तुम लोग, ये देखो सब गायब हो गए। थोड़े से दिखोगे, हिलोगे तो दिखोगे। देखो ये द थगेश शो है, थगेश शो यहाँ पर चल रहा है, मेरे को देखना है, मैं पहाड़ों पे यूट्यूब वीडियो देख सकता हूँ। एंड लिटरली ये लाइक चारों तरफ, बाप रे मेरे को लग रहा है मैं बीन बैग पे बैठा हूँ ना, मेरे को लग रहा है मैं पहाड़ के किसी पत्थर पे थोड़ा सा ये हाथ का अभी भी थोड़ा सा ग्लिची है, ये आगे के शायद वर्जन में आ जाएगा जो भी अगला विजन प्रो आएगा या जो भी है, बट ये देखो ऐसा लग रहा है मैं इसको टच। कौन सा समोसा दे, अभी हम लोग जोशुआ ट्री में थे, अगर हमको माउंट हुड पे जाना है, हम माउंट हुड पे गए, ओ भाई ये माउंट हुड बन गया। अभी ये पूरा आधा ही इमर्जन है, अगर आप लोग आधा भी रख सकते हैं इसको, देखो ये आधा रखा है, पता नहीं थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़े से लोग दिख रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा डायल घुमा दूं, बैठा हूं मस्त शाम में कहीं पे, मेरा हाथ का समोसा नहीं दिख रहा है बट मेरा हाथ दिख रहा है, तो मैं पीछे भी देख रहा हूँ दिख रहा है मुझे, जमीन भी ऐसा लग रहा है मैं टच कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्क्रीन यूज कर दी थगेश शो की स्क्रीन, और इसको मैं रख दूंगा आसमान में, यहाँ पे मैंने डार्क कर दिया। चलो ये देखो यहाँ पे हो गई रात, भाई साहब मैं स्टार्स देख रहा हूँ। थगेश शो को कर दिया फुल स्क्रीन, अब मैं सितारों तले हा कुछ भी देख सकता हूँ। यहाँ पे एप्पल टीवी है, मतलब मेरे को बर्ड्स की आवाज आ रही है, देखो साइलेंस में आप सुनना, स्टार्स दिख रहे हैं, इतने स्टार्स रियल में नहीं दिखते आजकल। थोड़ा सा ये स्कैरी भी है, ऐसा लग रहा है मैं अकेला हूँ यहाँ पे, कोई जंगली जानवर आ सकता है। समोसा मुंह में जाते हुए मुझे नहीं दिख रहा है अभी। ओके, अब हम आ गए रियल में, एक आदमी बढ़ गया। तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया, बट मैंने नोटिस किया जितना मैं लोगों को एक्चुअल में देखूंगा उनपे एक ग्लो आ रहा है। मैं कैमरामैन को देख रहा हूँ उस पे एक ग्लो आ रहा है, वो ज्यादा उठ के दिख रहा है, मैं जिसको देख रहा हूँ वो ज्यादा उठ के दिख रहा है। ओके, ये नहीं पता था। अब मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ तो ये लोग गायब हो गए। तो देखो यार चांद पे से स्टार एक न, ओ ओ अर्थ दिख रहा है इधर से, तो लोग मेरे को पागल समझ रहे होंगे जो मेरे सामने खड़े। हाफ नहीं फुल क्रैक है सर। भाई साहब ऐसा लग रहा है मैं इधर मून पे ही हूँ, इधर चांद है, ऊपर अर्थ है, स्टार्स है, और इधर थगेश शो है। वाईफाई है चांद पे, तो अभी मैं ये चांद पे दिन लाऊंगा, मैं लाइट कर दूंगा। आय हाय हाय हाय, अब देखो अर्थ पे ये लग गया एक्लिप्स, चांद का शेडो आ गया अर्थ पे। ओके, ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, बाप रे। मैं आपको बैकग्राउंड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो नॉर्मल आदमी को पसंद आएगा वो चीज मैं यहाँ पे, ये देखो ये योजमाइट वाला बैकग्राउंड है। ओके, रात हुआ है, ये बहुत ज्यादा भयानक है। थगेश शो यहाँ पे बंद कर देता हूँ। देखो ये क्लियर व्यू है, यहाँ से चांद दिख रहा है। ओ भाई ये पहाड़ देखो पीछे, आई होप दिख रहा है तुमको, मेरा बीन बैग में छेद हो गया इधर, दिख रहा है मेरे को, फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा माउंटेन है, बर्फीला माउंटेन, फील हो रहा है कि मैं हूँ एक्चुअली में, मेरे को फील हो रहा है कि मैं इसको अगर डे कर देता हूँ तो। यस, ये एक्चुअली डिजिटली रेंडर्ड है बट ये काफी रियल लग रहा है। मन कर रहा है भाग के जाऊँ, अभी भाग के जाऊंगा तो मुझे पता है टकरा होगा, बट एक्चुअली मेरा मन कर रहा है इधर से भागू, इधर पागल जैसे। मिंग सून भी है बहुत सारे इसमें, ये देखो ये बहुत एक फेमस है, ये देखो ओ हो, ऐसा क्यों लग रहा है मेरी आवाज एको हो रही है। यहाँ पे देखो हम पहाड़ के ऊपर है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा, एकदम एज पे बैठे हैं। एक्चुअली मेरे को अभी थोड़ा चक्कर आ रहा है, थोड़ा डिजीनेस फील हो रहा है इसके वजह से। एंड बेस्ट चीज ये है कि इसके जो स्पीकर है ना उसकी आवाज इतनी क्लियर है, आपको लगता है आप वहीं पे हो, आपको लगता है एक्चुअली मैं वहीं पे हो। थोड़ा हैवी है ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बस वो हैवी वाला जो फैक्टर है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको फील होता है कि नहीं कुछ पहना है। अगर आप हेडफोन डालोगे तो शायद इतना अच्छा नहीं सुनाई देगा क्योंकि कान बंद रहेंगे आपके, आपको वो फील आएगा कि नहीं कुछ है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हवा आ रही है। तो अभी हम लोग व्हाइट सैंड्स में, ऐसा लग रहा है रन ऑफ कच्छ में आ गया हूँ, नीचे भी इधर पूरा सनरेज आ रहा है।
देख लेगा मैं तेरे को। ओके ये पब्लिक कर सकती है हमारे साथ। पता नहीं यहाँ से आया तो नहीं दिखा, अगर मैं सामने देखता हूँ, सामने शायद कोई आता तो दिख जाता मेरे को। अब ये आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। ये हो गया। ओ यहाँ कहाँ? ओके ये ओ भाई साहब, दिस इज गुड। बारिश गिर रहा है, शांति का माहौल है, वेरी गुड। सामने पहाड़ दिख रहा है, नेपाल लग रहा है मेरे को। अभी अभी नेपाल गया था तो किधर है तो इसको अगर नाइट करना है तो मैंने ये रात का सीन कर दिया। रात को लोग थोड़े ज्यादा दिखते हैं, अगर सामने आप है लोग। ये थोड़ा वियर्ड चीज है, मैं अगर साइड में देखता हूँ तो ये लोग ब्लर होते हैं, इट्स लाइक ऑटो फोकस फोकस चीज। ये तो सब बैकग्राउंड्स की बात हो गई, तो इमर्जन को हटा देता हूँ मैं। ये देखो ये आ गए रियल वर्ल्ड में। माइंडफुलनेस ऐप है, शायद मेडिटेशन कराता है। 5 मिनट्स का मेडिटेशन, ओके थोड़ा करके देखता हूँ मैं। स्टार्ट अगर मैं करता हूँ इसको, मुझे दिख रहा है, लोग भी दिख रहे हैं मुझे, थोड़ा डिम हो गया, डार्क हो गया। हाय जेसिका, थोड़ा जल्दी करो, अभी मेडिटेशन करूँगा लेकिन अभी वीडियो शूट हो रहा है। बोल एक्सहेल करने, मर जाएगा आदमी। जेसिका इनहेल बोल के 10 मिनट रुक रही है। भाई इससे ज्यादा सुकून क्या हो सकता है गाइस। वो ये सब कुछ मेरे आसपास आ गया, वो मेडिटेशन के एकदम पत्ते वत्ते। भाई अगर कोई नशे करके इसमें आ जाए ना, वो पागल ही हो जाए। बिना नशे के मैं पागल लग रहा हूँ उधर। गूगल से मैंने इंस्टाग्राम खोला, अब ये टैब मैंने यहाँ पे रख दिया, वीडियो का टैब। बहुत इरिटेट हो रहा है एड्स। नाउ आई नो हाउ यू फील गाइस। शर्म नहीं आती तुझे? अभी मैंने ये देखो विजन प्रो की रील डाली है, अगर मैं रील्स पे दबाऊं तो मेरे को लिटरली रील्स दिख रही है। भाई विजन प्रो की रील तो अच्छी चल गई, 2.5 लाख व्यूज हो गए। मैं ये रील पे अगर क्लिक करता हूँ, इट्स सेम लाइक द फोन, फोन या पीसी की तरह है, बस आप टैप ऐसे कर रहे हो। ये पूरा कंप्यूटर है आपके आंख पे, चश्मे में पूरा कंप्यूटर है। दल्ला मार्केट से ही लिया होगा पक्का, ये सारे कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। बाय द वे फॉलो कर देना गाइस इंस्टाग्राम पे, आई हो तो इतना आई हो तो फॉलो कर देना। अब ऐसे करके मैं इंस्टाग्राम का रील्स मेरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरे रील्स पूरे ऊपर जा रहे हैं, तो भिखारी ने लॉगिन मांग लिया। बट एनीवेज मैं आपको मेरा ऑफिस पीसी सेटअप बताता हूँ, आ जाओ। कीबोर्ड वीबोर्ड सब है उसमें। अभी देखो जैसे मेरा गलती से वहाँ पे नज़र चला गया होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गया। मेरा नज़र शायद गलती से यहाँ पे पड़ गया होगा, ये स्टॉप दिख रहा है आपको। अभी हम आ गए हैं मेरे ऑफिस में। देखो ये लैपटॉप का अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है 20 साल बाद यही होने वाला है, लैपटॉप्स का लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लोग चश्मे से ही काम कर लेंगे। मेरे ऑफिस में मेरे को हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की रिसर्च करनी होती है, हम मिथपैट के बारे में रिसर्च करेंगे। मिथपैट बहुत बदमाश है। अभी मेरे सामने देखो ये कीबोर्ड है, ओके। अब मैं ये कीबोर्ड को कहीं भी डाल सकता हूँ। फिर से हम लोग आ गए मेरे ऑफिस में, मेरे ऑफिस के सामने एक स्क्रीन है, मेरे पास कीबोर्ड है, जो मैं एक्चुअली मैंने कीबोर्ड रख दिया मेरे टेबल पे, ये मैंने रख दिया इधर। अब मेरे सामने स्क्रीन है, अब मेरे को जो भी टाइप करना है मैं या तो अपने आंखों से कर सकता हूँ। अभी जैसे मैं टाइप करूंगा MYT, अगेन मैंने एक बात बोली थी, अब मैं मिथ टाइप करके अगर मैं ऊपर देख रहा हूँ टी की जगह पे तो वो कैंसिल हो रहा है, और अगर मेरे को पूरा टाइप करना है तो देखो मैं यहाँ पे लिटरली टैप करके टाइप कर सकता हूँ। देखो कितने सारे रिजल्ट्स आ गए। तो मिथपैट तो है ही न्यू नूब। आई एम नूब, कहाँ है कंसिस्टेंसी, कहाँ है वो? डाला है, अभी भी डाला है 22 घंटे पहले, ओके सॉरी ब्रो। जैसा मैंने बोला ये हम लोग ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता ये एक्सपीरियंस कितना स्मूथ है। चुप रे, फिर से अगर चिल्लाया बहुत मारूंगा। मैं बता नहीं सकता ये कितना स्मूथ एक्सपीरियंस। एप्पल टीवी में आप लोग को दिखा देता हूँ, एप्पल इमर्सिव एडवेंचर नाम है इसका, ये स्पेशली इसके लिए ही बना है। ये 360 नहीं है, ये कैसे मैं बताऊँ, 180 या कुछ है डिग्री, मतलब आपको यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक आप ऐसे करके देख सकते हो, बट आपको लगता है कि आप मूवी में हो। अब देखना अब ये कैसे मेरे को पूरा घेर लेगा। ये देखो लोग गायब हो गए मेरे सामने से। ओके नहीं दिख रहा है, एप्पल टीवी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं, जैसे आप लोग देख रहे हो मेरे सामने एक लैपटॉप है, देयर यू गो, मेरा मैकबुक का डिस्प्ले सामने आ गया। ये देखो पूरा मेरा मैकबुक का डिस्प्ले सामने आ गया। अब मेरे को जो भी करना है मैं ये कीबोर्ड से कर सकता हूँ, मेरे को कोई भी काम करना है, मेरे सामने कीबोर्ड है, मेरे सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। ये अगेन वो इकोसिस्टम वाली बात है गाइस, देखो इकोसिस्टम है अगर तो आप सब कुछ कर सकते हो। यहाँ पे मैं वर्ड वगैरह अभी यूज नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज मैंने दूसरा यूजर बनाया, बट आपको समझ रहा है ये पूरा मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसको इमर्सिव एक्सपीरियंस बना दूँ तो क्या मेरे को लैपटॉप दिखेगा? यस, मैंने ये अगर पूरा चेंज कर दिया तो मेरे को दिख तो रहा है लैपटॉप, बट मेरे को टाइप करने को प्रॉब्लम होएगा बिकॉज मेरे को कीबोर्ड का कीज नहीं दिख रहा है। अभी मैं मस्त जंगल में तो बैठा हूँ बट मेरे को कीबोर्ड का कीज नहीं दिख रहा है।
बाकी एक और चीज है, मैं अगर मैक वर्चुअल डिस्प्ले करता हूँ, जैसे मैंने बंद कर दिया तो ये यहाँ पे चालू हो गया, मर रहे ट्रक वाले। ये मैंने डिज्नी प्लस खोला एक्चुअली, ये देखो। ओके, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एनवायरमेंट्स है, इनके खुद के एनवायरमेंट्स बनाए। अगर मैं डिज्नी प्लस थिएटर पे क्लिक करता हूँ, स्टे अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। ओ भाई, नो वे भाई, भाई ये सब, भाई ये मैं चेयर पे बैठा हूँ, मतलब मैं चेयर पे थिएटर में भी बैठा हूँ, खाओ माँ कसम। ओके, ये डिज्नी प्लस थिएटर में मैं आ गया। आई विश तुम लोग को ये दिख रहा हो। देखिए, मैं मूवी चालू करूंगा तो शायद नहीं दिखेगा, फील आ रहा है थिएटर का। चलो अब मैं कोई मूवी चालू कर देता हूँ। मैं मार्वल का शायद जो ग्रूट आया था वो लगाता हूँ, वो लोड होने में ज्यादा टेंशन नहीं होगा। क्या ये एक्चुअली थिएटर में पहुंच जाता है? ये मैंने वॉल्यूम बंद कर दिया, एंड फील आता है लिटरली, लाइक पीछे आपको प्रोजेक्टर दिखता है जहां से वो लाइट आ रहा है। भाई ये कौन सा थिएटर है, मेरे को एक्चुअली में जाना है इधर। ये डिज्नी प्लस ने सिर्फ रेंडर किया है कि मैं इसमें मूवीज देख सकता हूँ। कूल कूल कूल। इसमें भी और दो तीन एनवायरमेंट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अवेंजर्स टावर है। ओके, हम अवेंजर्स टावर पे है, हम इधर मूवी देख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे हमारे बाजू में हल्क, आयरन मैन है। यहाँ पे चाय कॉफी रखी थी, मैं क्यों उठाने गया पता नहीं। ओके, ये हम कहाँ पे, स्केयर फ्लोर पे हम। ये क्या चीज है, ये रेफरेंस नहीं पता चला, जो भी है कूल है। एंड ये टैटू इन है ये। ओ भाई, भाई ये क्या है भाई, हम लोग, सॉरी यार मैं क्यों ये हो रहा हूँ, हम लोग ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, हम लोग ऐसा लग रहा है मार्स पे कॉलोनी बनाया, ह्यूमन कॉलोनी। बहुत सारे स्पेस शटल है, वो लग ना जाए तो अच्छा है। यस, ये मार्स है 100%। यहाँ पे अगर मैं कोई मूवी चलाता हूँ पे, ओ भाई, अच्छा जब मैं मूवी प्ले करता हूँ तो नाइट का सीन आ जाता है ताकि वो डार्कनेस मिले। स्पेस शटल का हल्का सा भाई, मैं आई डोंट नो, ये एक्सपीरियंस ना मैं आपको शायद वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी नहीं दिखेगा, बट ये बहुत ज्यादा सुंदर है। बहुत सारे स्टार्स दिख रहे हैं, अर्थ दिख रहा है, यहाँ से बहुत छोटा सा अर्थ दिख रहा है। यहाँ पे पता नहीं दो तीन मून्स है मार्स के, बहुत ज्यादा सुंदर है। ये बेस्ट चीज लगा, आई थिंक दिस इज वर्थ द वेट। मैं ये डिज्नी प्लस के लिए मैं 2 घंटे से ट्राई कर रहा था कि ये हो जाए, एंड ये अमेजिंग है भाई। एंड मैं, ये सिर्फ इनिशियल स्टेजेस है, मतलब थोड़े दिन हुए आके, इमेजिन कर रहा हूँ क्या क्या बना देंगे ये लोग, मतलब डेवलपर्स, और ये क्रेजी सीन होने वाला है। मैं भी अवेंजर्स टावर का नाइट सीन लगाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो पूरा नाइट हो जाएगा, रात हो जाएगी जैसे मूवी स्टार्ट होगी। ये देखो कैसे डिम हो के आए, हाय हाय देख रहा है पीछे पूरा, ये टोनी स्टार्क का लैब लग रहा है मेरे को। पर यहाँ पे बैठ के कोई मार्वल मूवी देखने का क्या मजा आएगा, मैं ये सोच रहा हूँ। आयरन मैन का हेलमेट पड़ा है, थॉर का हैमर है, कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी पैर मारूंगा और कुछ लग जाए। आयरन मैन के बहुत सारे सूट्स है, आयरन मैन की बेटी का सूट है। मैं स्केयर फ्लोर देखा था, हमने स्केयर फ्लोर पे मैं देखता हूँ नाइट में कैसा, ये क्या है एक्चुअली मुझे पता नहीं। अच्छा ओके, ये मॉन्स्टर्स इंक का है, हमारे टीम वाले बता रहे। मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई हॉरर मूवी के लिए अगर कोई हॉरर वाला माहौल बनाते, अगर कोई सुन रहा है जहां भी कैमरा है, कोई सुन रहा है डिज्नी प्लस या जहां से भी इंडिया में जब आओगे तो एक हॉरर वाला माहौल बनाना, क्रेजी क्रेजी हो जाएगा। अगर आपको कोई कार्टून मूवी देखनी है, एनिमेशन देखनी है, परफेक्ट है भाई परफेक्ट। 3D मूवीज में कोई देखनी है, इसमें मैं एंड गेम देखूंगा बट मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद करके देखूंगा। चुम्मेश्वरी अभी मैं अगर ये कर दूं, आ गए फिर से रियल वर्ल्ड में। वाओ Amazing! I think that's it for today, guys. ये काफी addictive चीज़ है, मतलब literally आप इसको निकालोगे तो immersive experience वगैरह से movie देखने से तो आपको लगेगा कि क्यों real दुनिया में है। But काफी time तक पहने रखने के बाद ये आँख के नीचे ऐसे निशान आते आए, इसमें आए ऐसे निशान थोड़े बहुत आ जाते हैं आँख पे, बट मैं एक्चुअली बहुत घंटे से मैं ये पहन रहा हूँ। कितना घंटा हो, 3-4 घंटा हो गया, एंड उसके बाद ये आना ही है। बट ये बैंड मेरे को कंपैरेटिवली काफी कंफर्टेबल लगा, मतलब इसमें मेरा सर नहीं दुख रहा है। वो बैंड में मेरा सर दुख रहा था बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली ऐसे पुल कर रहा था वेट नीचे, बट ओवरऑल बाप चीज है, कड़क चीज है। मैं टेक रिव्यूअर नहीं हूँ, जनरल जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर आप लोग ये यूज करोगे तो दिमाग उड़ जाएगा, मतलब कुछ अलग है ये। और VR और AR दोनों नहीं है, बट जनरली ऐसे जो हेडसेट्स होते हैं उसका रिव्यू देना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस पब्लिक को कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है जो हम लोग करते हैं। तो मेरे को तो बहुत सही लगा, मेरे को एप्पल ने पैसा नहीं दिया। मेरे को अभी भी बहुत सारे ग्लिचेस है इसमें, कभी कभी हाथ का मूवमेंट ठीक से नहीं होता, कभी कभी ट्रैकिंग फेल्ड आता है, कभी कभी लाइट का इशू है ये वो, बट आई थिंक वो आगे के अपडेट्स में फिक्स करेंगे। एंड और विजन प्रो तो आएंगे ही फ्यूचर में, आई थिंक ये 3 साल बाद एक और विजन प्रो आएगा, एंड आई थिंक 3 साल तक ये लोग
काफी सारे अपडेट्स लाते रहेंगे। अपडेट्स तब आते हैं जब एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती है। जब प्रॉब्लम्स आती है लोग रिपोर्ट करते हैं कि ये इशू आ रहा है, देन एप्पल उसके अपडेट्स लाता है। तो धीरे धीरे आई थिंक ये चीज बहुत बढ़िया होगी। एंड जब मैं वेट कर रहा हूँ जब इंडिया में आएगी, जब जियो सिनेमा पे ही आएगा या जो भी इंडिया के एप्स है उस पर आएगा, तो पता नहीं भाई। आई होप सब ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट करे डेवलपर्स इसको, क्योंकि ये बहुत तगड़ी चीज बन सकती है मेरे को ऐसा लग रहा है। एनीवे आई थिंक दैट्स इट गाइस। पता नहीं मैंने ये वीडियो क्यों डाला। मेरे को असली थकेश पे ऐसे ही टेक वीडियोस डालने हैं, मेरे को व्लॉग्स डालने हैं, मेरे को सब कुछ डालने हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। आप लोग भी लेने वाले हो क्या वो मेरे को बता देना, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना @ महेश केशवाला।